मौर्य काल की विशेषताएं थी वो क्या थी? मौर्य काल के कुछ इंपोर्टेंट पार्ट जो इस टाइम पहली बार हुए, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे या राजनीतिक स्तर पे, तो एक बड़ा परिवर्तन तो ये आ ही गया कि भाई इनके यहाँ पे लोहा मिला, और लोहा उत्तर वैदिक काल में मिला, और इस लोहे के उपयोग से कहीं ना कहीं इनकी कृषि व्यवस्था अच्छी हुई, साथ में सैनिक व्यवस्था अच्छी हुई, और धीरे धीरे ये एक तरीके से अपने ऊपर विकास करते चले गए। सबसे अच्छी बात राजनीतिक स्तर की बात की जाए कि राजनीतिक स्तर पर मौर्य साम्राज्य ने क्या अच्छा किया, क्या इन लोगों ने लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार किया है नहीं। लेकिन अगर देखें मौर्य काल में जो अशोक है या और भी जो रूलर हुए हैं, बिंबिसार हैं, अजातशत्रु है, इन सब रूलर ने कोशिश की है कि राजनीतिक स्तर पर लोगों का या जनता का सपोर्ट लिया जाए, और वही लोग लेने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो शासन था मौर्य काल का, इसकी एक खास बात ये थी लोक कल्याण का आधार था। इन लोगों ने लोगों को परेशान करने की ज्यादा कोशिश नहीं की, बल्कि प्यार से ही और लोगों के साथ मिलके अपने राज्य को बनाए रखा, और साथ में ये भी बोला कि भाई हम किसी देवता के अवतार नहीं है। जैसे बहुत सारे राजा बोलते हैं ना कि मैं भगवान हूं इसलिए मैं महान हूं, और राजा ने जो बोल दिया वो मतलब भगवान की मर्जी, और अगर आप मेरे खिलाफ जाओगे तो इसका मतलब आप भगवान के खिलाफ जाओगे। लेकिन ऐसा कुछ भी मौर्य काल के राजाओं ने नहीं कहा, और उन्होंने बोला कि बस हम लोग आपका नेतृत्व कर रहे हैं, और आप सब लोग भी सक्षम हो, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे देश में या हमारे राज्य में जनता को कोई परेशानी ना हो। तो इन्होंने कठोर पावर का यूज ना करके अपनी सॉफ्ट पावर का यूज किया, मतलब बड़े प्यार से, बातचीत से, आपसी भाईचारे से इन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखा। और इसका फायदा क्या रहा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि मौर्य काल में शांति बनी रही, और जिस समाज में शांति है या जहां पर राजा शांति से रहता है उस समाज का विकास भी ज्यादा अच्छा होता है। तो मौर्य काल ने एक तो राजनीतिक स्तर पर यह अच्छी रखा लोक कल्याण, जैसे आज का भी जो हमारा आधुनिक भारत है या इंडिया है उसमें लोक कल्याण की भावना है। राज्य का एक काम तो होता है कि भाई वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे, और ये कानून एवं व्यवस्था कैसे बनती है? पुलिस है हमारे पास, जब कोई भी ज्यादा एक तरीके से हिंसा फैलाता है तो पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इसके अलावा एक और कार्य जो इसका क्या है, जनता के लिए काम करना, और जनता के लिए काम कैसे होता है? जनता की शिक्षा पर पैसा लगाना, जनता के स्वास्थ्य पर खर्च करना, जनता को सुविधाएं देना, ये सब एक तरीके से जनता की भलाई के काम है। और हमने देखा अशोक के बहुत सारे स्तंभों में था कि उसने पशु और इंसान, मानव दोनों के लिए एक तरीके से क्या अवेलेबल कराया? चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त में अवेलेबल कराई। तो चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त में अवेलेबल है, इससे पता चल रहा है कि उन्होंने ज्यादातर लोगों की भलाई के लिए काम करने की कोशिश की। साथ में इनके जो एक संस्थापक आप कह सकते हैं कौटिल्य, कौटिल्य ने अपनी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें भी राज्य के बारे में एक चीज बोली कि राज्य एक रथ के समान है। इस रथ पर राजा बैठता था, प्राचीन काल में लोग यूज करते थे रथ का, और रथ कभी भी सिर्फ एक पहिए से नहीं चल सकता। अगर आप एक पहिए का रथ बनाओगे तो वो गिर जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले तो आपकी गाड़ी ही नहीं रह पाएगी। ऐसे ही अगर सिर्फ राजा चाहे कि मैं ही प्रजा के अंदर अपने लिए विश्वास जगाऊं, बोलूं मैं देवता हूं, तो उसने बोला कौटिल्य ने कि भैया राज्य को अगर चलाना है ना तो एक पहिए से कभी नहीं चलता। उसके लिए जरूरी है कि राजा के पास कुछ अपने चहेते लोग हों, जैसे मंत्री परिषद, जो इस परिषद में या इस समूह में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो राजा की हेल्प करे, राजा की सहायता करे। कोई अच्छा विद्वान होता है जो राजा को सलाह दे दे, कोई सैनिक हो सकता है जो राजा को ये बताए कि भाई हम लोग कैसे युद्ध में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जैसे आज के टाइम अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं,
लेकिन उनकी हेल्प के लिए पूरी मंत्रिपरिषद है। अगर मोदी जी चाहे कि भाई नहीं मैं तो अकेले संभाल लूंगा, तो उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ना डिफेंस देख पाएंगे, ना वो विदेश मंत्रालय देख पाएंगे, साथ में वित्त की भी बातें हैं। अलग अलग लोगों के पास अगर ये कार्य बटा होता है तो राज्य अच्छे से चलता है। इसलिए वो कहते थे राज्य जो रथ के रूप में, उसको चलाने के लिए बहुत सारे पहिए चाहिए, और उन पहियों में से एक का निर्माण मंत्रिपरिषद से होता है। और मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है? कार्यपालिका और विधायिका का जो कार्य है वो मंत्रिपरिषद का कार्य है। ये नियम कानून बनाएगी और साथ में उन नियम कानून को लागू भी करवाएगी। अकेला राजा कहाँ कहाँ तक भटकेगा कि भाई ये कानून बनाया, किसने माना नहीं माना, अकेला राजा कैसे राजस्व वसूलेगा, तो ये सारी दिक्कत कहीं ना कहीं सामने आ जाए। इसलिए हमेशा कौटिल्य बोलते थे कि उसके लिए उसे चाहिए, और साथ में वो बोलते थे कि भैया मंत्रिपरिषद के अलावा कई बार अचानक इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है, उसके लिए एक कैबिनेट, जैसे आज के टाइम हमारे देश में एक कैबिनेट भी होती है जिसे हम कहते हैं किचन कैबिनेट, एक छोटा मंत्रियों का समूह जिसमें बड़े बड़े मंत्रियों को प्रधानमंत्री अपने साथ रखता है। जैसे अभी के टाइम की बात करें, बीजेपी गवर्नमेंट है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं, साथ में वित्त मंत्री हैं, ये सब मिलके कई बार डिसीजन लेते हैं जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है। जैसे कोरोना के टाइम में हुआ, तो कोरोना के टाइम में सारी मंत्रिपरिषद को बुलाना मुश्किल था, लेकिन कुछ लोग आपस में बात करके कहीं ना कहीं डिसीजन ले सकते थे कि भैया हमें कर्फ्यू लगाना नहीं लगाना। ऐसे ही जब राज्य के ऊपर आक्रमण होता है तो उस टाइम राजा कई लोगों से सलाह लेता है कि भाई हम लोग क्या करें, सेना को तैयार कैसे करें, और सबकी जिम्मेदारियां एक तरीके से बांट। तो ये आज के हमारे वर्तमान के कैबिनेट लीडर, इससे हमें पता चलता है कि मौर्य काल के लोगों की सोच कैसी थी। आज भी जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो जब आपकी ट्रेनिंग होती है लवासना में, तो उसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे इन्होंने प्राचीन काल में भी इतना सशक्त राज्य या देश बनाया, और उस देश के बनने के कुछ कारण होंगे। साथ में इनके पास पूरा एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें जैसे आज के टाइम हम देखते हैं आईएएस ऑफिसर है, उसके नीचे एसडीएम काम करते हैं, उसके नीचे बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और फिर उसके नीचे पूरा प्रशासन कार्य करता है, और वो सब रिपोर्ट किसको देते हैं? सीएम को, पीएम को, या अपने बड़े ऑफिसर अधिकारियों। ऐसे ही मौर्य काल में भी एक प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा ढांचा हमें दिखाई देता है, जहां पर अलग अलग लोग अलग अलग पद में रहते थे, और इनको ये लोग क्या कहते थे? तीर्थ। ये लोग अपने बड़े बड़े अधिकारियों को बोलते थे कि भाई आप लोग तीर्थ हो। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एम में कि भाई मौर्य काल में तीर्थ शब्द काफी ज्यादा प्रचलित था, इस तीर्थ का मतलब क्या था? क्या ये कोई विधायिका थी, क्या ये राज्य की एक परिषद थी, या फिर एक प्रशासनिक यूनिट थी? तो आपको दिख रहा है तीर्थ किसको कहते हैं? प्रशासनिक तरीके से जो काम करने वाले उन। और इन्होंने जैसे आधुनिक काल में हम बहुत सारे मंत्री बनाते हैं, ऐसे इनके यहाँ भी बहुत सारे मंत्री थे, और ये प्रशासनिक स्तर पर एक तरीके से सारी चीजों को देखते थे। जैसे एक इनका जो मंत्री है वो है संहारता। ये संहारता कैसे है? ये ऐसा ही है जैसे हमारे देश में आज के वित्त मंत्री। वित्त मंत्री का कार्य क्या होता है? पैसे से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उनको बजट बनाना, साथ में बजट कैसे डिवाइड होगा इसको देखना, साथ में हम अपने संसाधन का कैसे उपयोग करेंगे, वो सारी चीजें। तो इनके यहाँ वित्त मंत्री को क्या कहते थे? संहारता। एक इनका होता था जिसका काम होता था कि भाई सारे पैसे जो आए राजस्व में, या जैसे भी हमने युद्ध में प्राप्त किए, जैसे भी पैसे प्राप्त किए, उन पैसों को सही से रखना एक कोष में, इसके लिए एक अध्यक्ष बनाया जाता था जिसका नाम था कोषाध्यक्ष। इसका काम सिर्फ इतना ही है, जो भी पैसा आया उस पैसे को इकट्ठा करना है। वित्त मंत्री का काम क्या है? जो पैसा आ गया उस पैसे को उपयोग कैसे करना, ये सारी बात है। उसे हम शिक्षा पे लगाएंगे, या लोगों को फ्री में खाना खिलाएंगे, या फिर स्वास्थ्य पे लगाएंगे, ये हमारे हाथ में। तो वित्त मंत्री का कार्य होता है, और ये सब किसके अंदर है? राजा के अंदर, जैसे अभी प्रधानमंत्री के अंदर है।
उसके कहने के अनुसार ये सारी चीजें एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। ऐसे ही इनके यहाँ उद्योग मंत्री था, जो अलग अलग उद्योग के, इनके यहाँ उद्योग कैसा होगा, व्यापार उद्योग है, साथ में लकड़ी के सामान बनेंगे, कुछ रथ बनेंगे, कुछ कपड़े बनेंगे, इनको बेचते थे। तो उसके लिए भी कुछ लोगों को, व्यापारी लोगों को कुछ फायदा देना पड़ेगा, उन्हें लोन देना पड़ेगा, कर्ज देना पड़ेगा। ये सारे काम कौन देखता है? उद्योग मंत्री। तो ऐसे ही इन्होंने अपने यहाँ एक उद्योग मंत्री का पद भी बना रखा था, और जिसे ये लोग क्या कहते थे, कामिंतक या कमिंतक। कमिंतक इनका एक उद्योग मंत्री था। तो कमिंतक कौन था? उद्योग मंत्री। इसका काम है कि कैसे हम लोग किस किस इंडस्ट्री को, किस उद्योग को ज्यादा बढ़ावा दें, कैसे सारे व्यापारी लोगों को एक साथ जुट किया जाए, कैसे नियम कानून बनाए जाए। अभी भी हमारी सरकार ऐसे ही करती है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनसे बातचीत करती है, बहुत सारे समिट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बातचीत करने के लिए, अन्य देशों से भी बातचीत करती है कि कैसे हम उनके साथ आयात या निर्यात कर सके। तो ये इनकी प्रशासन की एक नींव को दिखाता है कि ये प्रशासनिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से मौर्य काल वाले लोग कितने मजबूत थे, वो भी कितने पुराने टाइम। जो व्यवस्था हमारे पास अभी है उस व्यवस्था का एक पूरा ढांचा हमें दिखाई देता है। जबकि अंग्रेज हमसे क्या बोलते थे कि तुम्हारे यहाँ तो लोकतंत्र है नहीं, तो ये लोकतंत्र का एक तरीका ही तो है, बस इतना ही है कि हमारे यहाँ उसे राजा कहते थे, उनके वहां प्रधानमंत्री कहते थे, लेकिन व्यवस्था हमारे यहाँ वही थी। और अभी भी हमारा काम ये लोक कल्याण। तो मौर्य काल पहली बार भारत में ऐसा काल आया जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास हुआ। कहीं ना कहीं संविधान के कुछ पहलू हमें दिखाई देते हैं जो अभी हम देखते हैं। साथ में इनकी न्याय प्रणाली की बात करें, ये तो हमने देखे इनकी कैबिनेट या प्रशासनिक स्तर पर जो एक तरीके से काम करते थे, जिन्हें तीर्थ कहते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी अध्यक्ष पद थे, छोटे मोटे जो पद थे उनका, बस उनका आपको नाम याद रखना है, और नाम याद नहीं तो कम से कम थोड़ा ये जिक्र याद रखना है कि भाई हाँ ये मौर्य काल के लोग थे। तो मौर्य काल में और भी बहुत सारे लोग जो प्रशासनिक स्तर पर अध्यक्ष के पद पर रहते थे, जैसे हमारा चुनाव आयोग है, हमारी यूपीएससी आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, ऐसे और भी इनके बहुत सारे वो थे, हमारा कृषि है। ऐसे इनके और पदों की बात करें तो सीता अध्यक्ष, और आपने कभी सीता फल या पेठे के बारे में सुना होगा, और पेठा क्या है, एक तरीके से क्या है, सब्जी है। तो सीता के जो अध्यक्ष होते थे उन्हीं को कहते थे कृषि, कृषि विभाग का सारा काम ये देखता था। तो कृषि विभाग का जो प्रमुख था वो कहलाता था सीता अध्यक्ष। ये भी इन्होंने व्यवस्था, मतलब हर छोटी से लेके बड़ी चीज सब पर इन्होंने अपने अपने लोगों को बैठा रखा था, जिससे आपसी बातचीत होती रही। ऐसे कुछ लोग जो होते थे वो एक तरीके से माप तोल का काम देखते थे कि भैया कौन सी यूनिट की जाएगी, दूध लीटर में बटेगा या नहीं बटेगा, जैसे अभी हमारी सरकार देखती है पेट्रोल पंप कौन चलाएगा, कौन सी यूनिट होगी, कोई सामान कैसे बिकेगा, सोने का रेट क्या है। ये सारी चीजें करने के लिए इन्होंने एक और बंदे को बैठा रखा था जिसका नाम था पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष का काम है माप तोल की चीज को देखना, ये हर माप तोल की चीज को या पैमाने को देखता था। तो इसका काम क्या है, माप तोल। माप तोल का जो प्रमुख था वो पोताध्यक्ष कहलाता, चाहे लीटर में तुलवाना हो, चाहे सेंटीमीटर में तुलवाना हो, सारी यूनिट, या किसी की जमीन बटनी है तो जमीन कैसे बटेगी, एकड़ में बचेगी, हेक्टेयर में बटेगी, ये सारी चीजें जो डिसाइड करने वाला था वो पोता अध्यक्ष था। साथ में इनके यहाँ खाने, क्योंकि इनको लोहा चाहिए था तो लोहे की खुदाई तो करनी पड़ेगी, और इनके यहाँ एक खानों का भी प्रमुख होता था, जैसे अभी हमारे देश में भी होता है, कोयला विभाग पूरा है, खनन मंत्रालय हमारे पास है, ऐसे इनके यहाँ भी खनन मंत्रालय हुआ करता था, और उसे कहते थे अकारा अध्यक्ष। अकारा अध्यक्ष याद करने के लिए आप समझ सकते हो, आकार देख के खोदता है जो, वो क्या है, खनन मंत्री एक तरीके से। तो ये क्या करता है, देखता है कि भाई कहाँ पर खनन है, कहाँ पर हमें लोहा मिलेगा,
तो खान मंत्री एक तरीके से या उसका प्रमुख जो है वो ये अकारा अध्यक्ष जो देखता था कि भाई छोटा नागपुर पठार में कहाँ में कोयला मिलेगा, कहाँ लोहा मिलेगा, ये सारी चीजें इसके थी। साथ में व्यापार को ये देखता था कि भाई आयात निर्यात कैसे होगा, कैसे हम लोग व्यापार करेंगे, किसके साथ कौन सी संधि होगी, इसको कहते थे पंडित अध्यक्ष। पंड मतलब पहले होता था, यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है व्यापार। तो पंडित या अध्यक्ष ये इसका काम क्या था, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में देखना, ये सारा काम इसका। व्यापार और वाणिज्य से जुड़ी हुई जितनी सारी व्यवस्था है वो। एक होता था जिसका काम था सिक्कों की छपाई करना, जैसे आज हमारी जो आरबीआई है वो देखती है कि भाई कहाँ पर नोट छपेंगे, कैसे छपेंगे, ऐसे इनकी आरबीआई आप कह सकते हो एक हुआ करती थी। और जिसका एक अध्यक्ष होता था उसे कहते थे लक्षणाध्यक्ष, मतलब लक्ष्मी को जो देखने वाला है वो क्या है, लक्षणाध्यक्ष। और इसका काम क्या होता था, इसका काम होता था एक तरीके से करेंसी बनवाना, जिसे कहते थे टकसाल, टकसाल विभाग, टकसाल जो विभाग होता था उसका प्रमुख लक्षणाध्यक्ष। हमने देखा सीता अध्यक्ष कौन है, कृषि विभाग का प्रमुख, जो खेती से जुड़े हुए सारे काम है प्राथमिक क्षेत्र के वो देखता है। अगला हमने देखा पोता अध्यक्ष, जो नाम से ही पता चल रहा है, नाप तोल की बात जो करता है लीटर में हेक्टेयर में, वो सब पोता अध्यक्ष। आकार देख के जो खोदता है वो क्या है, खनन अध्यक्ष, खनन का प्रमुख। पंड जो व्यापार की बात करता है वो क्या है, व्यापार एवं वाणिज्य का अध्यक्ष। और लक्षण अध्यक्ष जो लक्ष्मी की बात करता है, तो वहां पर टकसाल जहां पर सिक्कों की छपाई होती थी उसी को ये लोग क्या कहते थे, टकसा। तो ये सारी हमने इनकी प्रशासनिक स्तर पर एक नीति देखी, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पूरा ढांचा मंत्री परिषद से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक पूरी चेन इन्होंने बनाई हुई थी, जो आधुनिक काल में बहुत कम देशों में दिखाई देती है। भारत में अंग्रेजों से भी बहुत पहले ये सारी व्यवस्था आ चुकी थी, जो अंग्रेज बाहर में लेके आए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पिछड़े थे, हम लोग काफी आगे थे। और धीरे धीरे एक दिन होता कि हम भी लोकतंत्र सीख जाते, लेकिन अंग्रेज बोलते नहीं हमने तुम्हें लोकतंत्र दिया, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में भी लोकतंत्र की प्रणाली है। साथ में हमने देखा जब महाजनपदा थे वज्जी मल्ल, हमने देखे जहां पर एक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से मतदान होता था और लोगों को चुना जाता था, वो गणतंत्र थे। अगली बात इनके न्यायिक प्रणाली की, न्यायिक प्रणाली में क्या था, तो जैसे आज के आधुनिक भारत में आधुनिक दुनिया में दिखता है दो तरह के केस होते हैं, एक सिविल केस और दूसरा आपराधिक। आपराधिक को हम कई बार क्या कहते हैं, फौजदारी केस। इनके यहां ऐसी दो एक तरीके से न्याय प्रणाली। सिविल केस का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई हो गई, डिवोर्स का मुद्दा है, परिवार के बीच प्रॉपर्टी के विभाजन को लेके मुद्दा है, मतलब इसमें हिंसा नहीं हुई, आपस में ही बातचीत या बहस हुई और पैसे का लेन देन का मामला, किसी की जान या किसी को मारने का मामला नहीं। अपराधी केस किसमें होती है, जिसमें किसी पर मर्डर का चार्ज लगता है, किसी को मारने का या किसी को चोट पहुंचाने का जो लगता है वो सब आपराधिक मामले। तो जैसे आज के आधुनिक टाइम में हमारी कानून प्रक्रिया चलती है, ऐसे इनके यहां भी थी, सिविल न्यायालय, दूसरा क्या है आपराधिक न्यायालय। ये जो सिविल न्यायालय को कहते थे इन लोग कहते थे दीवानी अदालत, दीवानी अदालत क्यों, क्योंकि दीवानी होता था जो पैसा कलेक्ट करता था, तो उसी को सारी चीजें आता थी। तो दीवान का क्या काम था, राजस्व पालन। तो कई बार बहुत सारे लोगों ने राजस्व नहीं दिया, कई बार बहुत सारे लोग राजा के पास शिकायत करते थे कि सर हमसे ज्यादा राजस्व ले लिया, कई बार यहाँ पर जमीन की वैल्यू बढ़ गई थी तो जमीन एक दूसरे ने बेच दी, उसको लेके झगड़ा हो गया, ये जमीन मेरी है, मेरे भाई ने जबरदस्ती मेरे से छीनी है, ये सारी चीजें एक तरीके से कह रहे थे। और कई बार इसे हमने अलग अलग देखा था, ये बोलते थे धर्म स्थली, इसका काम है धर्म को बनाए रखना, मतलब समाज में शांति बनाए रखना, ये इनका सिविल न्याय था। इसमें सबको न्याय मिलता था, किसी के साथ भेदभाव नहीं था, ये नहीं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर
ब्राह्मण को ज्यादा फायदा, नीचे वाले को कम फायदा, ऐसा कुछ नहीं दिखता हमें। सबके साथ एक तरीके से समानता ही बना कर, ये भी इनकी दीवानी अदालत की या धर्म स्थली अदालत की खास बात। अगली जो बात, फौजदारी। फौजदारी को ये लोग बोलते थे कंटक शोधन। कंटक शोधन आपने देखा होगा, आपके गले में कंठ होता है, उसी से आता है कंठक शोधन। कि भैया जो इंसान थोड़ा सा बुरा बोल रहा है या फिर किसी को मार रहा है तो उसके कंठ को दबा दो, या बोलते ना टैटू दबा दो, फांसी दे दो इसे। तो उसी के बेस पे लोग क्या कहते थे, कंटक शोधन, मतलब किसी की बॉडी को साफ करना। और इसके थ्रू क्या होता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर किसी ने किसी को मार दिया तो उसके लिए मृत्यु दंड, और मृत्यु दंड ज्यादातर पहले भी कैसे दिया था, फांसी के थ्रू दिया था। तो फांसी जब लगेगी तो इंसान का कंठ भी सूखेगा, गला भी सूखेगा, और साथ में इस कंठ पे ही फंसने की वजह से इंसान की फांसी होती है पूरी। अगर कंठ नहीं रुका तो आपके सांस नहीं घुटेगा, और सांस नहीं घुटेगा तो आप बच जाओगे। तो ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिली। तो ऐसे इनके यहाँ दो तरह की क्या थी, न्याय प्रणाली थी। लेकिन एक और अच्छी बात क्या थी, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आज के हमारी आधुनिक व्यवस्था में होता है कि भाई अगर आपकी छोटी वाली अदालत है, मान लीजिए आप जिले में गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बोला कि हाँ जी आपने गलत किया, आपको 4 साल की सजा मिली, लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है, हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट, फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सारा मौका ये लोग देते थे, और इससे एक तरीके से न्याय प्रणाली को बनाए रखने में और साथ में लोगों में भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी था। तो इनके यहाँ एक और खास बात, उन्हें अपील अपील करने का अधिकार इनको था। तो अपील करने का अधिकार था, तो सब लोगों को ये लगता था ठीक है भाई ये तो हमारा ही आदमी है, हमें अपील करने का। तो इनकी न्यायिक प्रणाली भी काफी ज्यादा मजबूत थी। इससे फायदा क्या होता था, इनके बहुत सारे केस होते थे जमीन के झगड़े को लेकर, क्योंकि तो धीरे धीरे भूराजस्व का महल बढ़ गया। जैसे ही भूराजस्व का महल बढ़ा, अब सब लोग जमीन कैप्चर करने लगे, नियंत्रण करने लगे। पहले जब जमीन की वैल्यू ज्यादा नहीं थी तो हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में जमीन के ऊपर ज्यादा झगड़े नहीं होंगे। ऋग वैदिक काल में गाय के ऊपर झगड़े हो रहे हैं, लेकिन अब जमीन की वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए अब झगड़े भी किसके लिए होंगे, जमीन के लिए। तो ये लोग अपनी अपनी जमीन के लिए, अपने अपने अधिकार के लिए एक तरीके से झगड़े करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है न्याय प्रणाली इतनी मजबूत हो कि जल्द से जल्द निर्णय दिया जा सके और समाज में अशांति बनने से रोका जा सके। इसलिए इनकी न्याय प्रणाली भी काफी ज्यादा मजबूत थी, जो हमें आज के आधुनिक युग के हिसाब से दिखाई देती है। तो सबसे अच्छी बात, दोबारा अपील करने का अधिकार, ये एक तरीके से सबको समानता का और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। या किसी ने उनके साथ कोई भेदभाव किया है, जानबूझ के फंसाया गया है, तो उसमें भी एक तरीके से ये लोग, ये इनकी न्यायिक प्रणाली थी। साथ में प्राचीन काल में और आज के टाइम में भी एक व्यवस्था और होती है, गुप्तचर व्यवस्था, सीक्रेट एजेंसी। जैसे अभी हमारे देश में रॉ है, रॉ क्या करती है, विदेशों में भारत के लिए इंफॉर्मेशन जुटाती है। हमारे बहुत सारे जासूस कहाँ रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और उनका काम क्या है, भारत के हित को विदेशों में भी सही से रखना, और हमें कोई नुकसान हो उसकी खबर पहले ही देना। जैसे हमारे बहुत सारे जासूस पाकिस्तान जाते रहते हैं, ऐसे ही इनके यहाँ भी गुप्तचर व्यवस्था थी। तो गुप्तचर व्यवस्था दो तरह की होती है, एक तो बाहर बाहर जो सिक्योरिटी की समस्याओं को देख रही है दूसरे देश में जाके, दूसरी होती है आंतरिक, जैसे हमारी आईबी। इनके यहाँ भी पूरी एक गुप्तचर प्रणाली मिलती है। गुप्तचर प्रणाली क्यों जरूरी है, अगर कोई आप पे आक्रमण करे तो आपको पता होना चाहिए ना कि उसके पास कितने हथियार हैं, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, और हम लोग कैसे इनको घेरेंगे, तो योजना बनाने के लिए जरूरी था। इसलिए इनके यहाँ भी गुप्तचर प्रणाली रहती थी, और साथ में जो राजा के खिलाफ विद्रोह करता था उसको भी गुप्तचर प्रणाली ध्यान से देखते थे। तो इनके यहाँ और कौटिल्य का मानना था, जितना जरूरी प्रशासनिक व्यवस्था है उतना ही जरूरी गुप्तचर प्रणाली है, क्योंकि इससे आपको शत्रु से आगे रहने का मौका मिलता है। आप इंतजार नहीं करते कि शत्रु आक्रमण करेगा तो मैं देखूंगा, आप आक्रमण से पहले ही उसके लिए पूरी रणनीति एक तरीके से बना लेते हैं। और गुप्तचर
विभाग को ये लोग कहते क्या थे, ये लोग कहते थे महामात्या स्पस, महामात्या स्पस, ये इनकी गुप्तचर प्राणी थी। ऐसे ही है जैसे हमारे देश में रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये बाहर काम करती है, और साथ में आई इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये हमारे देश में काम करती है आंतरिक सुरक्षा के लिए, बाहरी सुरक्षा के लिए रॉ, आंतरिक सुरक्षा के लिए आईबी। और ये जासूस हर जगह रहते हैं, देश के अंदर भी, देश के बाहर। ऐसे ही मौर्य काल ने भी ये सारी चीजें कर रखी थी, और कौटिल के अनुसार में इन लोगों को जो ये स्पाई रहते थे या जासूस रहते थे, इनको एक नाम दिया उन्होंने, ये जासूस कौन है, ये जासूस गुड पुरुष हैं। गुड पुरुष का मतलब होता है जो छिप छिप के रहते हैं, आपको पता भी नहीं चला, आपके पास ही कोई चाय की टपरी खोला हुआ है और वो पता चल रहा है जासूस है, लेकिन रह ऐसे रहा है जैसे वो तो कुछ भी नहीं जानता, और वो क्या करता है पूरे दिन इंफॉर्मेशन जुटाता है, शाम को सारी इंफॉर्मेशन अपनी संस्था को देता है। ऐसे भारत के बहुत सारे जासूस पाकिस्तान में रहे, जैसे हमारे सिक्योरिटी के जो चीफ है, प्रमुख है, जो भारत की सुरक्षा देखते हैं, अजीत डोभाल, वो 15 साल के आसपास पाकिस्तान में बिल्कुल भिखारी बन के आए और उनको पता भी नहीं चला, और वहां से सारी इंफॉर्मेशन भी देते थे, और इसलिए उन्हें हमारे देश का सुरक्षा का प्रमुख भी बनाया गया। और वो अब प्रधानमंत्री को भी एक तरीके से क्या देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, सलाह देते हैं कि कैसी हमारी रणनीति होनी चाहिए, पाकिस्तान से कैसे निपटना है, चीन से कैसे निपटना है। वो ऐसे इनके यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग थे और इनको एक गुड पुरुष कहते थे, और साथ में ये बोलते थे कि भाई ये लोग एक तो स्थान बदलते थे, मतलब आज यहाँ कल यहाँ, और दूसरा भेष भी बदलते थे, एक सा भेष नहीं रखते थे। और पहले तो बोला जाता है जो ये बंदर बंदरिया का खिलौना जैसे खेल दिखाने आते हैं, कोई सांप लेके आता है, या बहुत सारे लोग भगवान बन के घूमते रहते हैं, ये सारे लोग पहले जासूस हुआ करते थे, और ये लोग जगह जगह जाके एक तरीके से पूरी सूचना इकट्ठा करते थे कि कौन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कोई एक तरीके से गलत काम तो नहीं कर रहा, या राज्य के खिलाफ विद्रोह करने की तो नहीं सोचा, और साथ में ये भेष बदल बदल कर रहते थे, इनका भेष पूरा बदला रहता। तो ये भेष को सब जगह बदलते रहते, एक जगह से दूसरी जगह घूमना और साथ में अपने चेहरे बदलना, ये सारी चीजें करते थे, और साथ में ये लोग जिससे बातचीत करते थे उसको बोलते थे संचरा। अरे बातचीत कैसे होती, चिट्ठियों के माध्यम से, कबूतर के माध्यम से, तो एक जगह से दूसरी जगह बातचीत भी पहुंचाते थे। और ये लोग जो संचरा वाले, ये एक स्थान पर नहीं रुकते थे, कुछ गुप्तचर ऐसे थे जिनको परमानेंट एक स्थान पर रुकने दिया जाता था, और ये गुप्तचर जो परमानेंट एक ही स्थान पर रहते थे, इनको कहते थे संस्था, कि भाई एक ही जगह रह के आराम से इन्होंने एक संस्था प्रणाली बनाई और उसमें एक तरीके से काम कर, ये सब इनका एक तरीके से चलता था। तो हमने इनका राजनीतिक जाना, साथ में न्यायिक प्रणाली जानी, साथ में प्रशासनिक प्रणाली जानी, और साथ में जाना सुरक्षा के मामले में ये लोग क्या करते थे। तो इनकी सुरक्षा की एक सबसे बड़ी रणनीति गुप्तचर प्रणाली, जो काफी कम साम्राज्यों में हमें दिखाई देती है, लेकिन कौटिल्य का मानना था गुप्तचर प्रणाली बहुत जरूरी है जिससे हम शत्रु से आगे निकल सके, ये सारी चीजें। अब अगली बात आती है आर्थिक स्तर पर इनका कैसा था। आर्थिक स्तर पर कुछ चीजें हमें पता है कि भाई भू राजस्व इनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था, साथ में इनके यहाँ राजा होता था, बिल्कुल बढ़िया प्रणाली थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, अलग अलग मंत्री थे, व्यापार और वाणिज्य का काफी विकास था, और सारा जो नियंत्रण था वो राज करता था, राज नियंत्रित अर्थव्यवस्था, राज नियंत्रित और राज से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में हम लोग राज्य को ज्यादा शक्ति दें कि राज्य डिसाइड करे कि आज आप कितनी कोल्ड ड्रिंक पियोगे, तो उसे कहते हैं राज नियंत्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन राज्य डिसाइड ना करे, आप खुद डिसाइड करो कि भाई आज पैसे ज्यादा है तो आज ज्यादा पियेंगे, इसे कहते हैं स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। हमारे देश में अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है,
लेकिन मौर्य काल में कैसी चलती थी, राज नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी और साथ में उत्पादन का या इनकी आय का एक प्रमुख क्षेत्र क्या था, भू राजस्व। इसलिए इनकी अर्थव्यवस्था में सिंचाई का महत्व बहुत ज्यादा था कि भाई अगर खेतों को सिंचाई मिल जाए तो फसल का उत्पादन अच्छा होगा और फसल का उत्पादन अच्छा होगा तो कर अच्छा मिलेगा, बलि अच्छा मिलेगा, ये सारी चीजें इनके लिए फायदा थी। और साथ में कुछ भूमि जो राज्य के लिए रखी जाती थी या जिससे परमानेंट उत्पादन राज्य लेता था उसको कहते थे सीता, कि यहां से जो भी इनकम आएगी वो हमारी है। साथ में हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो एक प्रमुख मौर्य शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके एक शासक ने गुजरात के सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण किया और इस झील का निर्माण किस लिए करवाया, इस झील का निर्माण सिंचाई के पानी को स्टोर करने, गुजरात में पानी की दिक्कत होती है इसलिए इन्होंने एक सिंचाई के लिए झील बनवा दी और इस झील का नाम क्या था, सुदर्शन झील। इससे पता चलता है कि राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर पे या अवसर रचना पे ध्यान देता था और किसानों की सहायता करता था, तो इन्होंने सुदर्शन झील बनाई और इस झील के पानी का यूज किस लिए होता था, एक तरीके से कृषि की सिंचाई के लिए। और जो राज्यपाल वहां का था जिसने सब बनवाया, उस राज्यपाल का नाम भी ये मौर्य काल वाले जैसे ही कुछ बनवाते थे तुरंत स्तंभ पे लिखवाते, तो हमें उस स्तंभ से ही पता चला और उसका नाम था पुष्पगुप्त वैश्य, पुष्पगुप्त वैश्य। और इसने गुजरात में भी कृषि अर्थव्यवस्था को काफी आगे बढ़ाया। तो पुष्पगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और सिंचाई के लिए कृत्रिम साधन एक तरीके से प्रोवाइड करवाया। और ये लोग जहां पर सिंचाई की सारी सुविधा उपलब्ध थी उसे भूमि को कहते थे आदेव मात्र, कि ये भूमि अदेव मात्र के मतलब अगर यहां पर बरसात भी ना हो तो देव की जरूरत भी नहीं हो, क्योंकि हमारे पास सिंचाई साधन है और इस भूमि से ही इनको सबसे अधिक, क्यों हमारे देश में बारिश मानसून के समय होती है, मानसून अच्छा आता है तो खेती अच्छी होती है, मानसून खराब तो खेती बेकार, इसलिए सिंचाई सुविधाएं जरूरी है। लेकिन जहां पर भगवान की जरूरत कम या कृषि की वर्षा की जरूरत कम उसी को कहते हैं आदेव मात्र, और ये भूमि सबसे ज्यादा उत्पादक होती थी। जैसे आज के समय में भी हमारी हरित क्रांति सफल हुई और हरित क्रांति की वजह से हमें गेहूं चावल खाद्यान्न की उपलब्धता हुई, तो वहां पर कैसे हुई, जब हमने वहां पर नहर बनवाई। साथ में एक खेती जिसकी सिंचाई पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी उसको ये कहते थे देव मात्र, कि भैया ये तो बस वर्षा के देवता इंद्र पर निर्भर है, इसकी उत्पादनता थोड़ी कम रहती। उसका रीजन था कि निर्भर रहते थे कि बरसात होगी ना होगी, भगवान को बुलाओ भगवान नाराज हो गए, बहुत सारे कारक जिम्मेदार थे, लेकिन दूसरी तरफ इनमें कोई कारक की जरूरत नहीं पड़ती, सिंचाई आराम से अवेलेबल है और सिंचाई सुविधा का यूज करके आपको इंतजार नहीं करना बारिश। साथ में इनकी सिक्कों की बात करें कि भाई इनके यहाँ करेंसी कैसे थी, जैसे अभी आज के टाइम हम लोग रुपया देते हैं और रुपया के बदले में कुछ भी किसी से सामान ले, ऐसे इनके यहाँ कैसे चलता था व्यापार, इनके यहाँ करेंसी सिस्टम कैसे था, क्या क्या प्रणाली एक तरीके से अर्थव्यवस्था के लेवल पे ये लोग अपनाते। तो अर्थव्यवस्था के लेवल पर पहला तो हमने देखा कृषि में ये लोग सिंचाई पे ज्यादा जोर देते हैं, और ये अच्छी चीज भी है क्योंकि अगर आप सिंचाई पे ध्यान दोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और अधिक मात्रक भूमि ज्यादा अच्छी होगी, अधिक मात्रक भूमि ज्यादा होगी तो राजस्व भी ज्यादा मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण कारक जो होता है कि भाई ये लोग करेंसी का किसका यूज करते थे, तो एक तो हम इनके समय हमें सोने के सिक्के देखते हैं,
और किसी के घर में सोने के सिक्के मिल रहे हैं, इसका मतलब वो गरीब तो होगा नहीं, अमीर आदमी। मौर्य काल में सोने के सिक्के का मिलना ये इस बात को दिखाता है कि इनकी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी, और जिसे ये लोग क्या कहते थे, निस्क, इसे नाम से जानते थे, निस्क या स्वर्ण, ये इनके सिक्के का नाम। तो इनके यहाँ सोने के सिक्के को क्या कहते थे, निस्क या स्वर्ण। अगला, इनके यहाँ चांदी का सिक्का होता था, चांदी भी इनके पास अवेलेबल थी, और चांदी के सिक्के को भी इनके यहाँ इनकी भाषा में बोला जाता था, जिसे ये कहते थे पण, कि भाई चांदी का सिक्का क्या है, पण, या इसको कई बार कर्षपण, कई जगह में ये भी बोला। ये सब संस्कृत के शब्द हैं, इन नामों से लोग जानते थे। साथ में इनके यहाँ तांबे का सिक्का सबसे कम, जैसे जैसे जिस वस्तु की वैल्यू कम है इसका मतलब उस सिक्के की वैल्यू भी कम हुई। तो तांबे के सिक्का को ये क्या कहते थे, मासक, मासक। ये ऐसे ही है जैसे हमारे इसमें सोने के सिक्के को आप ले सकते हो, बड़ी नोट 2000 की नोट, 500 की नोट, चांदी का सिक्का ऐसा है 200, 100 रुपए की नोट, तांबे के सिक्का कैसा है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ये सारी चीजें एक तरीके इनके यहाँ चलती थी। तो इनकी अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरीके के सिक्के हमें पता चले। तो जो लोग अमीर थे उनके घर में सोने के सिक्के मिलते थे, जो लोग गरीब थे उनके घर में चांदी के, जो और गरीब थे उनके घर में तांबे के। इससे हमें पता चलता है कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज में विषमता थी या नहीं थी, और कई जगह हमें सोने के सिक्के ज्यादा मिले, कई जगह तांबे के। इससे पता चलता है अर्थव्यवस्था में विषमता तो थी, कुछ लोग अमीर थे ज्यादा, कुछ लोगों के पास गरीबी थी। से आज के टाइम में अगर हम देखना चाहें किसी घर में, तो जिसके यहाँ ज्यादा बड़े बड़े नोट ज्यादा देखेंगे इसका मतलब वो थोड़ा अमीर है, जिसके यहाँ सिक्के ज्यादा देखेंगे, छोटे नोट देखेंगे वो थोड़ा गरीब है, ऐसे ही इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता। अब बात करते हैं महिला, किसी भी समाज या किसी भी देश के बारे में जानने के लिए जरूरी है कि वहां पर उनके वहां जो कमजोर वर्ग है उनकी हालत कैसी है। तो अगला हमारा आता है महिला कैसी थी, महिलाओं को क्या क्या अधिकार थे, क्या उनको कुछ जीवन में दिया जाता था, यानी ये सारी चीजों पर नियंत्रण था पुरुष वर्ग। एक अच्छी बात हमें लगी, प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी, जैसे आज महिलाएं प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं, आईएएस ऑफिसर भी बन सकती हैं, ये सारे अधिकार इनके यहां भी थे, ये एक अच्छी चीज है, आधुनिक तरीके से एक तरीके से दिखता है। साथ में स्त्री और पुरुष दोनों को तलाक लेने का अधिकार है, मतलब अपने जीवन में अगर आपकी नहीं बन रही किसी से, मान लीजिए शादी हो गई, बात नहीं बन रही, तो ऐसा नहीं पुरुष चाहेगा तभी शादी टूटेगी, स्त्री भी चाहती है तो तलाक मिल सकता है। और ये लोग तलाक को क्या कहते थे, मोक्ष, बोलते थे मोक्ष मिल गया। हम लोग आज तो मोक्ष बोलते हैं, तो कई बार उससे बोलते हैं भाई तलाक मिलने के बाद थोड़ा सा शांति मिलती है जीवन में, क्योंकि बहुत दिन से बन नहीं रही थी, खटपट होती रहती थी, जीवन भर कुछ गाड़ी में टूट फूट हो इससे बढ़िया तलाक ले, कम से कम अकेले रहोगे लेकिन आनंद से रहोगे। तो इनके यहाँ दोनों को, स्त्री पुरुष दोनों को मोक्ष लेने का अधिकार था, तो मोक्ष इनके यहाँ क्या था, एक तरीके से तलाक था। साथ में विधवा, जो महिला विधवा हो जाती थी उनको भी इन्होंने कुछ अधिकार दिए थे। विधवा को अधिकार था अगर वो चाहे तो पुनः विवाह कर सकती, दोबारा से विवाह करना चाहो तो कर सकते, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि महिलाओं को ये सारी छूट इन्होंने दे रखी थी। साथ में इनके यहाँ सामाजिक समारोह भी होता था, तो सामाजिक समारोह में नृत्य होगा, कुछ पीना खाना होगा, अपनी संस्कृति की बातें बोली जाएंगी, युद्ध लड़ाई भी होगी, उस तो सामाजिक समारोह को ये कहते हैं प्रवण।
इनके यहाँ एक तरीके से आप कह सकते हो त्योहार टाइप का होता था, जैसे मेला लगता है ऐसे मेला टाइप का इनके यहाँ भी लगता है, क्योंकि हमें बड़े बड़े मैदान मिले हैं जहां पर समारोह ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इनके सामाजिक समारोह को हम जिस नाम से जानते हैं वो है प्रबण। तो इनके यहाँ सामाजिक समारोह हमें दिखते हैं, ये भी इनके एक अच्छी चीज है। साथ में इनके यहाँ ज्यादातर जो घर थे ना, अगर इनके आवास की बात की जाए तो इनके यहाँ ज्यादातर जो घर थे वो लकड़ी के बने, और जब लकड़ी का घर होगा तो लकड़ी के घर को सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होती है? आग से। तो इसलिए आग से बचने के लिए बहुत ज्यादा इन्हें इंतजाम करना पड़ता है कि हल्की सी भी आग लगी तो पूरा घर फूक जाएगा। इसलिए इनके यहाँ आग को राष्ट्रीय संकट माना जाता है, क्योंकि सबके घर लकड़ी के हैं और आग लगेगी तो सब टूट जाएगा, सब जल जाएगा। आग बुझाने के लिए इन्होंने अलग से पूरी एक कह सकते हो कानून व्यवस्था बनाई थी कि भाई कौन पानी से बुझाएगा, कौन कैसे करेगा, पूरा एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो इनके यहाँ राजधानी जो हमने देखी, चाहे पाटलिपुत्र हो या राजगिरी हो, वहां पे लकड़ी के बहुत सारे सामान मिले हैं। इस वजह से लकड़ी की एक और दिक्कत क्या है, गल भी जाती है। पत्थर के अगर घर होते तो हमें ज्यादा दिखते हैं, लकड़ी के ज्यादातर है। इवन इनके तो महल, जो राजा का महल होता था उस पे भी हमें लकड़ी मिली है बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ जगह हमें पत्थर से बने हुए घर मिले हैं, लेकिन ज्यादातर है इनके समाज में जो घर बनाए जाते थे वो लकड़ी के ही थे। और जो नगर प्रशासक होता था, नगर का जो प्रमुख होता था, या आप कह सकते हो जिले का जो प्रमुख होता था, उसका काम था आग से सुरक्षा। ये तुम्हारा काम क्या है? आग से सुरक्षा पूरे शहर की, ये इसका एक महत्वपूर्ण काम था कि तुम्हें सारे शहर को आग से सुरक्षा करनी। फिर उसके बाद मेघस्थनी, जिसने इंडिका बुक लिखी थी, और हमने जाना था कि भाई मौर्य काल के बारे में कुछ पता चलता है। मेघस्नीज बोलता है इनके यहाँ और भी कुछ प्रमुख अधिकारी थे, और मेघस्नीज उनका जिक्र करता है कि कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे, क्या क्या करते थे, ये सारी बातें करते। जैसे एस्टिनो माई, ये अपने नाम के हिसाब से इसने बताया, बोला एक एस्टिनो माई भी अधिकारी हुआ करता था, जिसका काम थी था नगर की सारी चीजों को देखना। साथ में सड़क निर्माण के लिए, शहर में सड़क निर्माण करना है जिससे व्यापार बढ़े, लोगों को दिक्कत ना हो, साथ में ब्यूटिफिकेशन हो, सुंदरता हो, इसके लिए एग्रोनोमाइन, ये सारे अधिकारी भी होते थे। तो ये सारी चीजें हमें मौर्य काल में दिखाई देती है। तो मेघस्थनी बताता है एस्टिनोमाई नगर में काम करता है, नगर की सुरक्षा का काम, वही जो हमने प्रशासनिक अधिकारी देता था जिसकी आग से सुरक्षा करना जिम्मेदारी। साथ में उसने सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों को देखा हुआ है, बड़े आदमियों को देखा हुआ, उसको इसने कहा अपने हिसाब से एग्रोनोमाई, क्योंकि ये यूनानी था तो यूरोप वाली एक तरीके से बात कर। तो इसकी इंडिका पुस्तक में भी हमें सारी चीजें मिलती है। और अंत में इसका अंत कैसे हो गया मौर्य काल का? तो मौर्य काल का अंत ऐसे हुआ कि इसका जो अंतिम शासक था, अशोक की डेथ के बाद कोई बड़ा नेता आया नहीं, कोई बड़ा राजा नहीं था जो नियंत्रण कर सके राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। तो एक तरीके से काम चलाऊ राजा है, और एक काम चलाऊ राजा प्रशासनिक व्यवस्था को सही से नहीं चले, और यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था डेवलप हुई। सामंतवादी मतलब जमीन का विभाजन होने लगा, अलग अलग राज्य अपनी आजादी की घोषणा करने लगे, और इसी चीज का फायदा कुछ दूसरे शासकों ने उठाया। तो एक जो इसका सेनापति था, जो इनके यहीं काम करता था, पुष्यमित्र सुंग, इनका एक सेनापति था,
पुष्प मित्र सुम, क्योंकि सेनापति है तो इसे सेना के बारे में सारी चीजें पता है और साथ में पता है राजा के पास पावर। तो अंतिम मौर्य शासक वृद्रथ, अंतिम मौर्य शासक वृद्रथ की पुष्मुत सिंह हत्या कर देगा और उसको मार के सुंग वंश की स्थापना करेगा। तो वृद्रथ की हत्या करेगा उसमें सुंग, जो क्या है इनका सेनापति, पर सेनापति हत्या करके अपने नाम के बेस पे ही नए साम्राज्य का गठन करेगा जिसका नाम होगा सुंग वंश। तो हम मौर्य उत्तर काल के बाद, मौर्य की समाप्ति के बाद जो पढ़ते हैं उनमें एक प्रमुख वंश है सुंग वंश। साथ में धीरे धीरे हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग राजा आ जाएंगे, एकीकरण नहीं बचेगा, केंद्रीकरण ना होके विकेंद्रीकरण। सुंगवन के साथ साथ कर्ण वंश, साथ में दक्षिण भारत में सातवाहन और साथ में संगमकार, जिनका जिक्र अशोक भी करता है, चोल चेर पांड्य, ये नए राज्य दिखते हैं। और साथ में बहुत सारे लोग विदेश से भी आते हैं क्योंकि उन्हें मौर्य की ख्याति सुनी थी, तो वो लोग अपने लाभ के लिए यहाँ पे आते हैं। तो विदेशी शासक इंडो ग्रीक वो भी आएंगे, साथ में शक भी आएंगे, साथ में कुषाण जिसका राजा कनिष्क, साथ में हर्षवर्धन, पर्थियान, उज्जैन के पास अपना रूल करेगा, ये सारे लोग एक तरीके से आते हैं। तो ये सब हमें दिखता है और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मौर्य उत्तरकाल, और मौर्य उत्तरकाल में हम जो देशी हमारे राजा थे उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ में बहुत सारे लोग जो भारत के बाहर से आए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। देव मातृक और अदेव मातृक, इनके यहाँ दो तरह की भूमि हमें मिलती है, एक को ये कहते हैं देव मातृक, दूसरे को कहते हैं अदेव मातृक। देव मातृक भूमि का मतलब क्या है, ऐसी भूमि जिसकी सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर होना हो, अगर वर्षा हुई तो उत्पादन होगा, वर्षा नहीं हुई तो उत्पादन नहीं होगा, ऐसी को भूमि को कहते हैं देव। और बारिश कौन करता है, देवता। तो इसका मतलब ये सब भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान के भरोसे है। जैसे आजकल भी किसान कहते हैं ना पानी तो आ नहीं रहा सिंचाई के लिए, अगर भगवान ने बारिश करा दी तो उत्पादन हो जाएगा, नहीं कराई तो नहीं होगा। दूसरी भूमि इनकी यहां थी अदेव मात्र, आज ऐसे ही लग रहा मतलब अब ये भूमि भगवान के ऊपर निर्भर नहीं है, वर्षा हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो इन्हें डर नहीं है, वर्षा पर निर्भर नहीं, क्यों, क्योंकि इन्होंने सिंचाई सुविधा डेवलप कर ली, जैसे हमने देखा सुदर्शन झील, तो गुजरात में सौराष्ट्र में जो सुदर्शन झील उस गुप्त वैश्य ने विकसित की, उससे क्या हुआ, अब ये भूमि निर्भर नहीं है वर्षा पर, जब फसल को जरूरत होगी हम लोग पानी दे देंगे, और पानी दे देंगे तो इसका मतलब भगवान के भरोसे हम नहीं, मानसून आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी फसल का उत्पादन सही से हो। तो ये दोनों में अंतर है कि एक है देव मात्र, दूसरी